दोस्तों आज मैं आपको स्ट्रॉबेरी प्लांट की पॉटिंग सॉइल मिक्स के बारे में एक छोटा सा अपडेट देने वाली हूँ। स्ट्रॉबेरी प्लांट फ्रोगेरिया जाति का पौधा है। स्ट्रॉबेरी प्लांट को आप जब भी नर्सरी से परचेस करें तो आपको ये देखना है कि प्लांट काफ़ी हेल्दी हो और प्लांट की जो लीव्स हो वो काफ़ी ग्रीन हो। ऐसा प्लांट बहुत ही अच्छा होता है और इसका जो क्राउन है वो काफ़ी बड़ा ऊपर से इस तरह से होना चाहिए। वो उतने ही ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करेगा और उतनी ही ज़्यादा आपके पास आपको फ्रूटिंग मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा और हेल्दी प्लांट है। जो इस प्लांट को लाए हुए कम से कम 20 दिन हो गए हैं। मैं छोटा सा लाई थी और इसकी जो पॉटिंग सॉइल मैंने बनाई थी उसमें ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है और इसमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो रही है। वही पॉटिंग सॉइल मिक्स मैं आज दोस्तों आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस प्लांट की पॉटिंग सॉइल जो होती है वो काफी हल्की बनानी चाहिए, जिसका ड्रेनेज बहुत ही अच्छा हो, जिससे कि इसमें मॉइस्चर ज्यादा देर तक ना टिके। सिर्फ इतना मॉइस्चर इसे मिले जो कि सॉइल को बिल्कुल ही हल्का सा नम रखे। तो दोस्तों देखते हैं इसका पॉटिंग सॉइल मिक्स क्या है। दोस्तों ये परफेक्ट सॉइल मिक्स है स्ट्रॉबेरी प्लांट के लिए। इसमें 50% सॉइल हो गई है हमारी, 30% गोबर की खाद हो गई है, 10% हमने सैंड ले ली है और 10% हमने राइस हस्क ले लिया है। इन सभी चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। पॉटिंग सॉइल को देखिए, हमने बहुत ही अच्छे से एक एक बिल्कुल मिक्स कर लिया है इस तरह से। स्ट्रॉबेरी प्लांट को लगाने के लिए हमें हमेशा गहरे पॉट का ही यूज करना चाहिए। अगर आपके पास 3 से 4 पौधे हैं तो आप फैले हुए और गहरे पॉट में वो सभी पौधे एक साथ लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक ही पौधा है तो आप इस तरह का भी पॉट ले सकते हैं जैसा कि मैं ले रही हूँ, क्योंकि दोस्तों इसका जो क्राउन है वो सरफेस पे ऊपर ही ऊपर फैलता जाता है और इसकी जड़ें 6 से 7 इंच तक ही बस सरफेस से नीचे जाती हैं। तो इसके लिए मेरे पास अभी बहुत फैला पॉट नहीं है, लेकिन मैंने इस प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि मैं इस पहले मैंने इसमें लगाया था और मैं चेंज कर रही हूँ, तो मैं इस तरह का एक पॉट, ये देखिए दोस्तों, इस तरह का ये फैला हुआ पॉट ले लिया है मैंने। तो इस तरह का आपको एक पॉट लेना है। होल्स हैं, होल्स पे गिट्टियां ले लेंगे मिट्टी की और चारों तरफ इसमें डाल देंगे, जिससे कि पानी बहुत ही अच्छे से नीचे से ड्रेन हो जाए। दोस्तों पहले हमें सॉइल थोड़ी ही फिल करनी है और देखना है कि पौधा हम निकालेंगे उससे कितनी मिट्टी हमें इसमें मिल जाएगी। तो थोड़ा पहले हम डालेंगे और उसके बाद जरूरत के हिसाब से इसमें और मिट्टी डालेंगे। पॉट को हमें पौधे को निकालने के लिए क्या करना है, पॉट से थोड़ा सा इसे टैप करना है इस तरह से। टैप करने के बाद हमें इसे धीरे से यहाँ पर से 2-3 उंगलियां फंसाकर, इस तरह से उंगलियां फंसानी है और इसे धीरे से टेढ़ा करके इस तरह से, देखिए पूरा हमें ये इस तरह से निकाल लेना है अपना पौधा, बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिट्टी हमें धीरे से, बहुत धीरे से, जड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना धीरे धीरे से निकाल देनी है। बहुत धीरे निकल आया है और इसमें इतना मुझे चाहिए और ये, और बस इस तरह से हमें अपने पौधे को धीरे से इसमें रख देना है इस तरह से। ये देखिए फ्रूट्स हैं, ऊपर ही रहना चाहिए क्राउन, जो इसका क्राउन है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए सॉइल में, नीचे नहीं दबाना है सॉइल से वरना ये गलने लगेगा। इसी तरीके से ऊपर रखना है हमें एक्स्ट्रा जितनी भी, ये देखिए सॉइल है, इसे धीरे से इस तरह से इसको इसी में हल्का हल्का सा फोड़ देंगे इस तरह से साइड क्राउन छोड़कर। थोड़े से दोस्तों हमें डीएपी के दाने डाल देने हैं सॉइल में अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए। ये इस तरह से देखिए साइड साइड में बिल्कुल हमें 2-2, 3-3 दाने इस तरह से, ये इस तरह से डालने हैं। अब जो हमने सॉइल बनाई हुई थी धीरे धीरे हमें पॉट में साइड साइड में डाल देना है इस तरह से, जिससे डीएपी के दाने बंद हो जाएं। और एक बहुत जरूरी काम है जो भी आपको मैं बताने वाली हूँ, पहले हम इसमें पानी डाल देंगे इस तरह से, और पानी डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे इस तरह से रखा रहने देंगे जिससे कि पानी नीचे चला जाए अच्छी तरीके से। दोस्तों पौधा हमारा अच्छी तरीके से लग गया है, लेकिन एक बात का आपको खास ख्याल रखना है कि इसे हमें 5 से 6 घंटे की धूप देनी ही देनी है। इसकी वाटरिंग का खास ख्याल रखें। इसमें पानी आपको तभी डालना है जब 2 इंच तक आप इसकी सॉइल देखिएगा ऐसे खोदकर, सूखी लगे तभी इसमें वाटरिंग करिएगा, क्योंकि ज्यादातर स्ट्रॉबेरी का पौधा तभी मर जाता है जब उसमें ज्यादा वाटरिंग हो सकती है, क्योंकि इसका क्राउन गलने लगता है ज्यादा वाटरिंग से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसके फ्रूट्स हैं वो मिट्टी में खराब ना हो, फंगस ना लगे। इसके लिए आपको करना है कि आपको इस तरह से राइस हस्क लेना है और इसके ऊपर पूरी सॉइल में इस तरह मिट्टी जो है उसे कवर कर देना है इस तरह से। दोस्तों यहाँ पर इसका क्राउन जो है उसे छोड़कर हमें ये राइस हस्क चारों तरफ डाल देना है, जिससे कि हमारे जो फ्रूट्स हैं वो मिट्टी में ना लगे। और दोस्तों टाइम टाइम पर पौधे में कीटनाशक का स्प्रे जरूर करते रहें, पौधे को पूरी खुली धूप में रखें।
दोस्तों, इस स्ट्रॉबेरी प्लांट की रिपोर्टिंग और दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय फ्रेंड्स।